एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? लेकिन आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ शगुफ्ता अली। सो जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल्स में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम मैक्स मैथ डॉट मैक्सिमम वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि मैथ के अंदर जो भी नंबर हम प्रोवाइड कर रहे हैं या कोई भी नंबर यूज़र से ले रहे हैं, लेने के बाद वो अगर द लार्जेस्ट वन, उनमें उस सब नंबर्स में से मुझे लार्जेस्ट वन को फाइंड आउट करना है या इंडिकेट करनी है कि जो यूज़र ने नंबर इंटर किया है कि वो लार्जेस्ट वन है या नहीं है उन पांचों नंबर में से, तो मैथ डॉट मैक्सिमम ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यूटिलाइज होता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और प्रैक्टिकली देखते हैं इसका रिजल्ट किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे यूज़र से लेनी है इन्फॉर्मेशन, तो मैं प्रॉम्प्ट को यूज़ करूँगी और मैं यहाँ पर इंडिकेट कर देती हूँ कि मैसेज प्लीज़ इंटर द फर्स्ट नंबर। ठीक है, एंड देन मैं इस स्टेटमेंट को क्लोज कर देती हूँ। इसी के साथ मुझे पांच वैल्यूज़ चाहिए तो मैं इन्हीं स्टेटमेंट को ही कॉपी करके पेस्ट कर देती हूँ 5 times और वेरिएबल क्योंकि सिमिलर नहीं हो सकते, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो बी रैंडमली सी एंड देन डी एंड ई। ठीक है, इसी के बाद फर्स्ट है तो यहाँ पर स्टेटमेंट को सेकंड नंबर इंटर करना पड़ेगा, यूज़र को इसी तरीके से यूज़र को थर्ड नंबर इंटर करना पड़ेगा, इसी तरीके से फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर तरीके से पांच नंबर यूज़र ऐड करेगा और फिर मूव ऑन। अब कंडीशन को राइट डाउन करते हैं कि कोई भी वेरिएबल मैच करता है लाइक आई से, तो मैंने कहा कि मैथ डॉट मैक्सिमम प्री डिफाइंड है, मैक्सिमम में जो वैल्यूज़ दी गई हैं लाइक ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, इन पांचों को मैंने होल्ड कराया और अब मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर स्टेटमेंट राइट डाउन कर रही हूँ कि मैं वैल्यूज़ ख़ुद भी कॉल कराना चाह रही हूँ, तो सेम लाइक दैट मैंने डॉलर का साइन लगाया, स्टेटमेंट ओपन किया, वैल्यूज़ भी मैं शो कराना चाहती हूँ ए में जो भी वैल्यू है, कॉमा लगा के अगैन डॉलर साइन, जो बी में वैल्यू है तो इन सब की वैल्यू वो शो करने के बाद बताएगा। ठीक है, अगर आप शो करना नहीं चाहते तो सिंपल आप रिज़ल्ट भी प्रिंट करवाना चाहें तो प्रिंट करवा सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। तो मैं क्योंकि वैल्यूज़ देने के बाद रिज़ल्ट के ऊपर आना चाह रही हूँ, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर उन वैल्यूज़ को कॉल कराऊँगी 1 by 1। ई के बाद ठीक है, यहाँ पर स्टेटमेंट क्लोज किया, द लार्जेस्ट वैल्यू किस में होल्ड कराई थी हमने आई के अंदर, डॉलर आई, और यहाँ से मैं अपने स्टेटमेंट को क्लोज कर रही हूँ। फाइन, सो रन करा के चेक करते हैं कि वैल्यूज़ के बाद रिज़ल्ट जनरेट क्या कर रहा है। ठीक है, डायरेक्टली रन करा लेते हैं, सो सिंपल रन पर जाते हैं एंड फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू। सबसे पहले वैल्यूज़ कह रहा भाई इंटर द फर्स्ट नंबर, लाइक आपने 43 इंटर किया
ओके करते हैं। कह रहा सेकेंड नंबर इंटर करें 23, थर्ड नंबर इंटर किया 55, फोर्थ नंबर इंटर किया 100 और फिफ्थ नंबर किया 123। सो द आंसर इज, एक मिनट, आंसर प्रिंट नहीं हुआ, लेट मी चेक। VI equals to maximum dot math dot maximum, sorry, math gets a case sensitive, तो जाहिर सी बात है अगर आप अपने हिसाब से ही कॉल करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगी। तो जाहिर सी बात है कि आपको लॉजिक को प्रॉपर फॉर्म में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो जो वेरिएबल जिस तरह दिया गया है आपने वही वेरिएबल उस तरह ही लिखना होगा, उसको उस तरह ही कॉल कराना है जिस तरीके से वो कॉल होगा। सो अगेन रन करते हैं। थर्टी फोर फोर्टी थ्री ट्वेंटी वन सेवन ट्वेंटी टू। सो ये कह रहा है 34, 43, 21, 57, 22। ये आपने पांच नंबर इंटर किए और उनमें से लार्जेस्ट नंबर जो है वो 57 है। क्यों रिजल्ट पहले क्यों नहीं आया था? क्योंकि मैंने कहा था स्टार्टिंग में जब मेरे लेक्चर स्टार्ट हुए थे तो मैंने कहा था कि ऐसा केस सेंसिटिव लैंग्वेज, जिस तरह जो वेरिएबल डिक्लेरेशन होगी, जिस तरह जो प्री डिफाइंड फंक्शन होंगे, आपने वैसे ही उनको कॉल करना होगा। सो आई होप आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और एक्साइटिंग ट्यूटोरियल के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।